नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार फिर से। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं यहाँ पर काफी सारी ढेर सारी कमाल कमाल की गर्मा गर्म न्यूज अपडेट के बारे में। काफी सारी न्यूज अपडेट की जानकारी आज फिर से इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब करना आपको मिल जाता है, दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके सामने मिलता है नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन, उसे भी प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं उन सभी को यहाँ पर जन्मदिन की बधाइयाँ देना चाहूँगा जिनका आज जन्मदिन है। तो उन सभी को मेरी और टेक्निक ज्ञान चैनल की तरफ से उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अब सबसे पहले जो न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है नोकिया आशा के एक ब्रांड को लेकर। आशा सीरीज आपने देखी थी तो नोकिया जल्दी फिर से जो है उसे शुरू करने वाला है। लेटेस्ट और कुछ अलग हटके जो आशा सीरीज के अंदर आपको मोबाइल फ़ोन मिलने वाले हैं। इस प्रकार की आशा सीरीज हुआ करती थी, लेकिन इसमें फ्रंट में भी आपको कैमरा मिलने वाला है और थोड़ा सा मतलब सीपीयू भी यहाँ पर मेंटेन करने वाले हैं, कोई अच्छा सीपीयू यहाँ पर लगाने वाले हैं, डिस्प्ले को भी मेंटेन करने वाले हैं। डिस्प्ले इसमें काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी। अब नोकिया के मोबाइल जल्दी निकल के आने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है वन प्लस सिक्स 2018 को लेकर, जो कि शायद मतलब 2018 लास्ट में लॉन्च हो सकता है वन प्लस फाइव की तरफ से। तो इसमें जो है स्नैपड्रैगन 845 वाला प्रोसेसर जो मिलेगा, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करता है। काफ़ी सारे रूमर्स अलग अलग तरीके से यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। अब कौन सा रूमर सही है वो तो पता नहीं है, लेकिन 2018 में से भी लॉन्च करने की यहाँ पर बात हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है फेसबुक की तरफ से। फेसबुक यहाँ पर एक नया फीचर टेस्ट कर रही है। टुडे इनके नाम से एक नया सेक्शन होगा जिसके अंदर आपको लोकल न्यूज़ आपके मतलब एरिया के आसपास का जो मतलब एरिया है जितना भी कवर कर सकता है फेसबुक, उतने एरिया की न्यूज़ आपको फेसबुक के ऊपर अब मिल जाएगी। तो ये जो है कि काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाएगी। फेसबुक के ऊपर ही आपको बराबर से जो है न्यूज़ अपडेट मिलती रहेंगी उधर उधर की, क्योंकि फेसबुक अब एनालाइज करने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है उसके अंदर न्यूज़ फीड के अंदर काफ़ी सारी अपडेट्स यहाँ पर डालते हैं। अगर कुछ न्यूज़ टाइप की अपडेट है तो उसे जो है ट्रेस करके सभी के पास यहाँ पर एक अलग से मतलब सेक्शन जो कि टेस्ट कर रहा है उसके अंदर भेज देगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कौन सी न्यूज़ कहाँ पर क्या हुआ था, सब कुछ आप उसके अंदर देख पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है रिलायंस जियो को लेकर। रिलायंस जियो जो है काफ़ी सारी डेवलपिंग करते करते जो है पहुँच गया क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो जियो कॉइन के नाम से क्रिप्टो करेंसी का मतलब कुछ एप्लीकेशन वगैरह डेवलप कर रहा है, जिसमें जो है काफ़ी सारे मतलब नौजवान लोगों को यहाँ पर लगाया हुआ है जो कि ऐप डेवलपर हैं, और सब मिलकर जो है जियो के लिए क्रिप्टो करेंसी का नया कुछ अलग हटके प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर डेवलप करना चाहते हैं। अब लगे हुए हैं, देखते हैं कब तक ये जियो कॉइन वाला फीचर निकल कर सामने आता है। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi ने जो है कि नया चार्जर इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत यहाँ पर 599 रुपये बताई गई है, 599 के अंदर आपको मिल जाएगा। क्विक चार्ज 3.0 मतलब ये सपोर्ट कर देगा आपको। तो इसके चलते मतलब ये अडेप्टर अगर आप रखते हैं Xiaomi के कुछ मोबाइल फ़ोन, तो आपको हल्के फुल्के चार्जर यूज़ लेने की अब ज़रूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट जो है Xiaomi का एक चार्जर इंडिया में किसी भी स्टोर से खरीद पाएंगे या फिर आप ऑनलाइन स्टोर से भी ले पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है GoPro की तरफ से। इन्होंने भी लॉन्च कर दिया है कि लेवल कैमरा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये है हीरो 6 और इसकी प्राइस जो है यहाँ पर 8000 रुपये रखती है। अभी इंडिया के अंदर इसे लॉन्च कर दिया, अब आप ले सकते हैं इसको इंडिया के अंदर सिर्फ 8000 रुपये में 360 डिग्री के वीडियो वगैरह निकालने के लिए। काफ़ी बढ़िया है, बिल्कुल छोटी सी डिवाइस है तो ठीक है, निकाल दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है फिर से नोकिया की तरफ से। नोकिया जो है यहाँ पर BH501 के ब्लूटूथ स्टीरियो स्पीकर या फिर ईयरफोन मान लीजिए वो लेके आया है, जो कि फुल डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से दिखने वाले हैं, और बिल्कुल मतलब वायरलेसली आप इन्हें यूज ले सकेंगे। अब नोकिया फिर से जो है कोर कुछ ब्लूटूथ वाले डिवाइस यहाँ पर निकाल के लेके आने वाला है जल्दी ही, उनकी बात हम नेक्स्ट अपडेट में यहाँ पर कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है Honor 9 Lite की तरफ से, जो कि चार कैमरा से लेस है, मतलब इसके अंदर चार कैमरा का सेटअप आपको मिल जाता है। इसको जनवरी 17, 2018 में मतलब इसी मंथ में 17 तारीख को लॉन्च कर दिया जाएगा इंडिया के अंदर। इसकी स्पेसिफिकेशन निकल के आई है, तो इसमें जो है 5.6 इंच की जो आपको IPS LCD मिल जाती है, जो कि फुल HD प्लस पिक्सल्स को यहाँ पर सपोर्ट करती है। और इसमें CPU जो है वही दिया गया ऑक्टाकोर हाई सिलिकॉन वाला, जो कि क्रीन है 659, तो ये वाला CPU इसमें आपको मिल जाता है। 3000 GB की RAM, 32 और 64 GB की जो इंटरनल स्टोरेज,
प्राइमरी कैमरा वही 13+ है, 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, और जो सेकेंडरी कैमरा है फिर सेल्फी कैमरा वही ड्यूल कैमरा यहाँ पर दिया गया है 13 मेगापिक्सल का, प्लस से 2 मेगापिक्सल का एक छोटा सा उपग्रह भी आपको इसके साथ भी मिल जाएगा। 3000 mAh की इसमें बैटरी बताई गई है। एंड्रॉइड 8.0 ओरियो का इसमें सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। सेंसर्स की बात करें तो इसमें जो है फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा जो कि रियर में माउंट है, मतलब पीछे की तरफ। एक्लेरोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली कंपास सेंसर भी इसके साथ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी कनेक्टिविटी LTE वगैरह सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है जो कि नॉर्मल चलता है। प्राइस की अभी कुछ बात यहाँ पर निकल के नहीं आई है, तो प्राइस की बात हम फिर से किसी अपडेट में यहाँ पर कर लेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों काफ़ी कुछ जानकारी इस वीडियो में भी मैंने दी होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, नीचे सब्सक्राइब बटन आपको मिल जाता है उसके सामने मिलता है नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन, उसे प्रेस करने से आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो को एक लाइक यहाँ पर जरूर कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।